ब्रेक तो बात करना सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। नाजायज माइनिंग करन वालियां ते हुन शिकंजा कसया जा रहा है। मुकेरियां ते तलवाड़ा विच 16 लोकां खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुलजमां दे विच 7 औरतां भी शामिल ने। तो नाजायज माइनिंग नूं लैके सरकार दी हुन सख्ती नजर आ रही है। शिकंजा लगातार कसया जा रहा है ते मुकेरियां ते तलवाड़ा विच 16 लोकां दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दस दिए गए मुलजमान में 7 औरतां भी शामिल ने। पुलिस ने नाजायज माइनिंग करन दे दोष हेठ कार्रवाई की है। तो नजायज माइनिंग जिथे सूबे दे विच धड़ल्ले दे नाल जारी है, हुण इस नूं लैके शिकंजा भी पर कसिया जा रहा है। दस दिए कि मुकेरियां ते तलवाड़ा विच 16 लोकां दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इन्हां मुलजमान दे विच 7 औरतां भी शामिल है जिन्हां दे खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने नजायज माइनिंग करन दे दोष हेठ यह कार्रवाई की है। तो मुकेरिया तलवाड़ा के विच एक कार्रवाई हुई है। 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिन्हां विच 7 औरतां भी शामिल ने। लगातार सूबे के विच नजायज माइनिंग का जो गोरख धंधा जारी है उसको नकेल कसण के लिए सख्ती जड़ी है वो की जा रही है। जिहड़ी कंप्लेट वाली जगह सी उत्थे मौके ते पहुंचे सी वह हैगा कुलियां लुबाणा संधवाल दे विच जमीन पैंदी है। तो जदों असीं मौके ते गए उत्थे कोई मशीनरी नहीं सी, बट उत्थे जिहड़ी भी सी ताजी निकासी की हुई सी। तो जिस संबंधी असीं उत्थे कानगो ते पटवारी नूं बुलाया, उन्हां तों उन्हां दी मालकी रिपोर्ट लिती। तो मालकी रिपोर्ट दे विच साडे को 17 नाम नामजद होए, जिहदे विच इक सीगा अपना क्रशर सीगा उसके खिलाफ़ भी FIR ते नाल जिहड़े 16 सीगे जिन्हां दी मालकी सीगी उन्हां दे खिलाफ़ भी FIR रजिस्टर्ड करवा दित्ती गई है थाणा हाजीपुर दे विच। जिहड़ी भी गैर कानूनी माइनिंग साडे सानूं जिहड़ी भी कंप्लेंट रिसीव हो रही है, चाहे कोई खबर वाइज है, चाहे कोई परसनली हैल्पलाइन नंबर च या DC कंपलैक्स या फिर साडे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर नूं जो भी है, जिस रिगार्ड सानूं भी कंप्लेंट रिसीव हुंदी है असीं उस हिसाब नाल कार्रवाई कर दिंदे हां, भावें ओह क्रशर वाला होवे या फिर जमीन वाला होवे। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਕੇਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਾ ਤਰਸੇਮ।